हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफजल और आपको अपने चैनल मियां जी रिएक्शन टीवी पर खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं पंजाब पाकिस्तान से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। जैसा कि मैं रोज ही हाजिर हो जाता हूं और आपको पता ही है कि मैं रिएक्शन वीडियोज बनाता हूं, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, आज की वीडियो में भी हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, बट आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की लग्जरी ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं कि विच इज़ दी बेस्ट। पाकिस्तान की ट्रेन बेस्ट है, इंडिया की ट्रेन बेस्ट है, और लग्जरी ट्रेन की बात कर रहे हैं हम। चेक करेंगे जी भाई, खाने में क्या है, सिटिंग का क्या प्लान है, सोने के लिए स्लीपर सेल है नहीं है, वॉशरूम का क्या सीन है, ट्रैवलिंग के लिए इजी कौन है, कंफर्टेबल सीट किस की है, पाकिस्तान की ट्रेन बेस्ट है या इंडिया की ट्रेन बेस्ट है, और फैसला करेंगे हम दोनों मिलके। यार कोई मसला नहीं है, आप भी मुझे बताएंगे और मैं भी अपना रिव्यू दूंगा, तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं जी, पाकिस्तान की ट्रेन बेस्ट है, इंडिया की ट्रेन बेस्ट है, पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई है, इंडिया की ट्रेन में क्या तब्दीली आई है, और इसके अलावा जो लग्जरी ट्रेन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और आपको पता ही होगा इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है, लग्जरी क्लास होती है, और काफ़ी क्लासेस होती हैं। मतलब कि मुख्तलिफ ये स्कूल वाली क्लासेस नहीं है, जाकर किताबें खोली पढ़ने लग पड़े, ये वो वाली क्लासेस नहीं है, ये पैसों की गेम होती है। आप जितने पैसे खर्च करेंगे आपको उतनी कंफर्टेबल मिलेगी और आपको उतना ही मज़ा आएगा सफ़र करने का। तो ये वो वाला सीन है, हम वो उसके बारे में बात करेंगे, हम पढ़ने वाली बात नहीं करेंगे। ओके, पहली बात तो मैंने कहा क्लियर कर दें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान और इंडिया को देखेंगे तो देखना ये है कि आप किसकी ट्रेन ज़्यादा बेस्ट है सफ़र के लिए, कौन सी ट्रेन ज़्यादा ईजी है, और किस ट्रेन में ज़्यादा इजीली सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान ट्रेन में हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, इंडियन में करेंगे, टूरिस्ट किसको पसंद करते हैं, और फिर देखते हैं जी इस पे ऊपर बात करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो तरफ चल के वीडियो प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आप वीडियो तरफ चलते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, लेट्स प्ले द वीडियो। भाई हॉर्न है, पता चलता है इससे तो ट्रेन आई है, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। ये सबसे पहले जी पाकिस्तान की बारी, पाकिस्तान की ट्रेन आ रही है, खूबसूरत सी जिना एक्सप्रेस। ओके, लग्जरी ट्रेन। द मोस्ट लग्जरी ट्रेन्स, ओके, जिना एक्सप्रेस लाहौर टू कराची, लाहौर से कराची तक चलती है, ये लंबा सफर है। $7,000 जो इसका किराया तीन में पर पर्सन का। चौदह से 15 घंटे लगते हैं इसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, लाहौर से कराची तक पहुंचने के लिए। ये जी उसकी सिटिंग कैबिन आ गया जी लग्जरी ट्रेन का, चादरें शादरें बिछी हुई हैं, सराने शराने पड़े हुए हैं, साथ ही स्विच बोर्ड है, ये ऊपर अलग से लेटने के लिए फैन लगा हुआ है, सामान रखने के लिए भी सारा कुछ रेडी, ये सामान रखने वाला सीन आ गया। ये विंडो आ गई, विंडो सीट ऊपर नीचे करें ताकि अगर रोशनी आ रही है तो बंद करें, चिल मारें, साथ छोटी लाइट है और स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं। ये देखे भी LCD लगी हुई है, स्क्रीन से नाले लेके नाले TVC भी देखते हुए जाए। ओए हाय हाय हाय, ये जी तकरीबन कह लें कि नॉर्मल क्लास है शायद, आई थिंक सो। और यहाँ पे भी ऊपर LCDs लगी हुई हैं। अच्छा, ये खाने खाने की जगह है, यहाँ बैठ के आप सॉरी अपना खाना वगैरह खा सकते हैं, सीट पे ताकि आराम से बैठें खाना शाना खाएं, चिल मॉल। और यहाँ पे भी LCDs लगी हैं, ज़्यादा पर्ल कार है इसको बोलते हैं। हर थोड़े थोड़े डेस्टिनेशन पे LCDs लगी हुई हैं ताकि
सब लोग इंजॉय कर सकें, ये नहीं कि एक ही लगा दी है दूरों देखो बह के, वो चक्कर नहीं है, अच्छी गल है ना। ये ज़रा उससे थोड़ी बड़ी आ गया ऐसे तो फैमिली वगैरह के लिए। ये देखें जी खूबसूरत से, ये रेलवे की तरफ से टिश्यू पेपर ग्लासेस लगे हुए हैं और ये लग्जरी खाने वाला सीन। ये उठती हुई जा रही है ट्रेन, हाय हाय हाय, पता लगता है गड्डी आई है। लो जी हुण इंडिया की गल आ गई, पाकिस्तान की ट्रेन टुर गई जे, लो जी हुण इंडिया नूं वेखने आ कि उनकी लग्जरी ट्रेन किहो जी है, किस्मत जी लगती है। महराज एक्सप्रेस, अच्छा जी है उन्हां दी लग्जरी ट्रेन है जी, आ गई है जी। लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन इंडियन रेलवे चलती है, ठीक है देखें। मार्च 2010 तो स्टार्ट हुई है जी यह ट्रेन, अच्छा जी तकरीबन 9 साल हो गए ने। ओके घड़ी तो लगता जी शाम के 8:03 हो गए, 4 हो गए। लो जी ट्रेन का लोगो शोगो आ गया, बंदे खड़े ने, खान पीन का प्रोग्राम है, किचन जी किचन, ओके। दिल्ली आगरा जयपुर 3 स्टेशन जाने, लखनऊ लो जी, यह गंदगला भी मिलता जी। यह वाशरूम में लम्बे पैक ना दे जाओ, अच्छा जी यह खलो के नहाने वाला वाशरूम। मुंबई टू दिल्ली, अच्छा जी रूफ पे लाइटिंग की हुई है जी। पीना निदान डाइनिंग रूम कह लो, अच्छा जी लो जी ट्रेन इंडिया की भी टुर पई जी। तो गल एडी जी है भा जी, ऐसी आई जी वीडियो, वीडियो मदद सी, पाकिस्तान की ट्रेन भी तुहाडे सामने, इंडिया की ट्रेन भी तुहाडे सामने, तो फैसला तुसी भी करना, तो असी अपना रिव्यू भी देंगे। अपना रिव्यू असी यह दें भाजी कि दोवें ट्रेन सानू वधिया लगियां ने, वजह उनकी तुहानू दस दें जी, वधा कंपेयर किया जाए तो दोनों चीज़ा सेम ने तकरीबन। उत्थे वाशरूम भी है ने, ठीक है जी, पाकिस्तान तो उन्हें खैर वाशरूम होया नहीं, लेकिन सैपरेट वाशरूम होता मैं पता, मैं वेख्या हो, पाकिस्तानी आई नो बैटर दैन यू वट
going on and what happened ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿਖਾਇਆ ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਟੈਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਅਟੈਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੂਫ 'ਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਹਿਰਾਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਲਸੀਡੀ ਦੇਖੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਸਵੀਰ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਐਲਸੀਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਖਾ ਪਾ ਜਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਐਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।